तो एक तरफ शिव का रौद्र रूप और दूसरी तरफ आज देश में माहौल फिर से राममय हो गया। जी हाँ, न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे देश में राममय माहौल के बीच की खबर ये थी कि जल्द ही तारीख पर शुभ संकेत शुभ समाचार आ जाएंगे, क्योंकि आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और पदाधिकारियों के बीच अहम बैठक थी। प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने की तारीख पर और उनके आने पर जो सुझाव आए उस पर चर्चा की गई और अभी ये माना जा रहा है कि 5 अगस्त को विधिवत पूजन में प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम। भूमि पूजन का मुहूर्त, 490 साल पुराना वो वनवास सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले के साथ खत्म हो गया जब एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया। लेकिन इसके बीच अब मंदिर निर्माण की बात करके सीधे तौर पर हिंदुस्तान के उस स्वाभिमान में उत्साह वर्धन किया गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने की बात को लेकर कितनी बैठकें कितने चर्चाएं हो रही है उसी से आप अंदाजा लगा दीजिए कि सरगर्मी क्या है। 4 दिन में 6 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। 15 जुलाई से शुरू हुआ जिसमें राम जन्मभूमि के सुरक्षा सलाहकार के शर्मा अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने वहां बैठक की परिसर के निरीक्षण के बाद। उसके साथ साथ 16 जुलाई को राम मंदिर निर्माण समिति के जो चेयरमैन हैं नृपेंद्र मिश्रा, उन्होंने 2 बड़ी बैठकें की। आप सोच लीजिए सर, 4 दिन में गहमा गहमी हुई है। पहली बैठक जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की, दूसरी बैठक में वो ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ मिले, उनसे पूछा कि क्या आपकी राय है, क्या आपके सुझाव है। 17 जुलाई को नृपेंद्र मिश्रा फिर जिले के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक और बैठक करते हैं और मंदिर मॉडल के आर्किटेक्चर जो है चंद्रकांत सोमपुरा, उनके बेटे निखिल सोमपुरा, दोनों से उनके साथ बैठक की है। वो आज की बैठक में भी थे। इसके अलावा एलएनटी के अधिकारी और इंजीनियर्स भी मौजूद रहे 17 जुलाई ने कल की बैठक में। आज जब फिर से बात कर ले तो 18 तारीख आज बहुत अहम बैठक थी, लेकिन इसके पहले लखनऊ तक तैयारी थी। 17 जुलाई को योगी आदित्यनाथ ने भी बैठक ली। 18 जुलाई यानी आज ट्रस्ट की बेहद अहम बैठक जिसमें इसी प्रस्ताव पर बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री को किस तारीख को यहां पर बुलाया जाए और इसके सुझाव अब अंतिम निर्णय पीएमओ के जो सुझाव होंगे उसी पर रहेंगे। दूसरी तरफ ये भी समझिए कि अब इस राम मंदिर मॉडल की जो बात हो रही है वो कितना भव्य, कितना जबरदस्त और कितना दिव्य होगा, कितना अद्भुत इसके दर्शन होगा। आपको मैं ये भी बताती हूँ कि कैसे राम के इस धाम को, उसकी अगर लंबाई चौड़ाई पर आप बात की जाए तो इसमें एक और चीज जो आज एड ऑन हुई है वो है हुई है कि उसके शिखर को और ऊंचा किया जाए, जो उसकी लंबाई है वो 268 फीट पे होगी। लंबाई 268 फीट, चौड़ाई 140 फीट, जो ऊंचाई है वो 161 फीट हो जाएगी। पहले 128 थी, उसके बाद 161 कर दिया गया। जो शिखर है उसको और ऊंचा किया जाएगा। भूतल में सिंह द्वार होगा, गर्भगृह होगी, नृत्य मंडप होगा, प्रथम दल पर राम दरबार लगेगा और राम के वो दर्शन होंगे जहां प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखते हैं। इस मंदिर में 212 खंभे लगेंगे और हर जो पहली मंजिल है उसमें 106 खंभों की बात हो रही है। हर खंभे में 16 मूर्तियां लगाई जाएंगी। कितना भव्य और अद्भुत दर्शन होगा। इस मंदिर में 2 चबूतरे होंगे। इसके साथ साथ आसपास रामकथा कुंज 45 एकड़ में बनेगा और चारों दिशाओं में 4 द्वार होंगे। एक भव्य तरीके से बनने वाले मंदिर को बताया जा रहा है कि 3-3.5 साल में पूरा कर लिया जाएगा और वो सपना जो करीब 500 साल से हर कोई आंख देख रही है, हिंदुस्तानी देख रहा है, वो सपना पूरा हो जाएगा। आज उसी पर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बैठक, लेकिन फैसला पीएम को बुलाने का पीएमओ के पास। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद वंदे मातरम।